जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री चार्य जैसा बताते हैं कि आज प्रत्येक भारत के नागरिक के ऊपर कितने हजार रुपए का लोन है, कर्जा है, इन सबको अगर दूर करना है तो कहीं ना कहीं आधार गौ सेवा है। और मैं पूज्य महाराष्ट्र जी को श्री गोपेश्वर गौशाला परिवार मलियाबाद की ओर से और श्री दुर्गा जी मंदिर धनजागरण एवं सेवा समिति की ओर से कोटशा आपके श्री चरणों में निवेदन और नमन करता हूँ कि आज हम सबको जो आपसे पाथेय के रूप में दिव्य गोकथा के माध्यम से यह जो पाथेय प्राप्त हुआ जिससे कि हम अपना जीवन और अपने जीवन के साथ साथ अपने आसपास का समाज और समाज के निर्माण के साथ साथ इस देश का निर्माण कर पाएंगे, ऐसा पाथेय आपसे हम सभी को प्राप्त हुआ। बस कुछ ही जहाँ आपने इतना धैर्य इतना संयम रखा, बस 5-10 मिनट की और बात और फिर उसके बाद आरती गौ माता की और आप सभी प्रसादी। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा, हम सभी यहाँ पर दिव्य गौ कथा को सुनने हेतु आए तो कम से कम एक संकल्प अवश्य लेकर के जाएं कि हम सभी तन मन धन से एक एक प्रकार कैसे भी हो कम से कम एक परिवार के द्वारा एक गौ की सेवा तो अवश्य ही होनी चाहिए, ऐसा संकल्प। और जैसा भी माता जी ने बहन जी ने कहा महाराज जी ने भी कहा कि हम एक और संकल्प ये लें कि आज जो यह पॉलिथीन है यह हमारी कहीं ना कहीं हमारी गौ माता के लिए यह हत्या का कारण बन रही है, वध तो नहीं लेकिन हत्या का कारण बन रही है। हम सभी पाप के भागी हैं, जितना कुछ भी अपने एडिबल वेस्ट है जैसा महाराज जी ने कहा उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करें आगे, और कभी भी कोई भी चीज ऐसे खाने योग्य पॉलिथीन में बाहर मत डालें, ऐसा ये निवेदन आप सभी से। और